हम क्या बोल रहे हैं? हम भी नगर एक तो होता है आम नगर आम भी क्या दिए आम अच्छा केला नहीं दिए आम तो फलों का राजा होता है क्या दिए आम दिया जो सन्यासी लोग जब भाषण करते हैं तो लोग आम ले जाते हैं वो आम वो फेंक के मारते हैं उनको चलो जाएंगी क्यों नाराज हो गए क्या बस 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 हो गया हो गया हो गया हाथ ले जाना हो गया ठीक है सुंदर कृष्ण मैंने कार्य कार्य सुंदर कार्य सुंदर कार्य जब किया जाता है जो सुंदर कार्य करता है उसका भाग्य अच्छा बनता है उसको कहते हैं सुकृत सुकृत मैंने अच्छा भाग जिसने अच्छा काम किया उसका भाग अच्छा बनता है तो दुष्कृत बुरा काम जिसने बुरा काम किया उसका भाग्य भी बुरा बनता है ब्रह्म तत्व और ब्रह्म लोक ब्रह्म तत्व है जड़ लोक और ब्रह्म लोक भी है जड़ लोक घर हो गया क्या वो भगवान के बैठने का घर है क्या है ब्रह्मा का चैतन्य शरीर हो और चाहे चाहे भगवान के रहने का आत्माओं के रहने का लोक हो वो जड़ तो वही है क्या सुदृश का मतलब क्या है सुदृश सुदृश सदृश समान लेकिन एक वर्ड सुदृश भी आया है सुदृश भी आया है अच्छा उसका मीनिंग ये नहीं दृश्य होता है ये सेकंड मूर्ति का जो पार्ट है 69 से शुरू हुआ या 76 से शुरू हुआ मूर्ति जब प्रत्यक्ष हो तो शुरू हुआ का माना जाए जब प्रत्यक्ष ही नहीं है तो शुरू कैसे मान लिया
बच्चा जब पैदा होता है तब उसकी शुरुआत मानी जाती है या जब गर्भ में प्रवेश करता है तो शुरुआत मानी जाती है? कहीं कहीं पर बताया गया है किसकी प्रत्यक्षता? प्रत्यक्ष होगी तो मूर्ति कोई साकार प्रत्यक्ष होगा या निराकार प्रत्यक्ष होता है? साकार प्रत्यक्ष होता है, निराकार तो आत्मा है, आत्मा तो नाम होते दिखाई नहीं पड़ती। घर में जब बच्चा आता है तो दिखाई थोड़ी पड़ता है, बच्चा है कि बच्ची है कि क्या नहीं है, जब पैदा होता है तब प्रत्यक्ष होता है, तब कहते हैं जन्मदिन हुआ। जन्म तो मनाया जाता है प्रत्यक्ष होने का, जो आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाता। ऐसे ही ये भी गर्भ पिंड में आत्मा ने प्रवेश किया, प्रत्यक्ष तो हुई नहीं, भले प्रवेश किया सुप्रीम सोल ने, तो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, मनन चिंतन मंथन भी चलता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, जैसे गुप्त है। इसलिए 76 में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, 69 में ज्ञान में आती है, जैसे गर्भ पिंड में आत्मा ने प्रवेश किया। जैसे गर्भ में बच्चा होता है पहले निर्जीव होता है, उसमें अनुचरण नहीं होती, उसमें आत्मा नहीं होती, वो पिंड जब परिपक्व हो जाता है 4-5 महीने में तो फिर उसमें सोल प्रवेश करती है, जब प्रवेश करती है तो माता को महसूस होता है कि हाँ कुछ कुछ हरकत हो रही है, तो जो माता को हरकत होता है अनुभव होता है उससे समझा जा सकता है कि आत्मा ने प्रवेश कर दिया। ऐसे ही भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो भगवान तो निराकार है, क्यों है निराकार? क्योंकि वो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, हमारा शरीर तो साकार है लेकिन हमारी आत्मा निराकार है। इस आत्मा की यादगार में यहाँ बिंदु लगाते हैं, ये जो बिंदु लगा हुआ है ये किस बात की यादगार है कि हमारी आत्मा बिंदी है, बिंदी की लंबाई चौड़ाई नहीं होती, क्या छोटी सी छोटी हो सकती है, अति सूक्ष्म हो सकती है, अणु से भी अणु वाणी अंतर मनुष्य ऐसे गीता में कहा गया कि अणु से भी अनुरूप है, तो बिंदी रूप जो आत्मा है वो शरीर में जब प्रवेश करती है तब शरीर चैतन्य, आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ रह जाता है, आंखें बटन हो जाती है, तो आंखों में जो रोशनी निकल रही है वो किस चीज की रोशनी है? आत्मा की रोशनी। आत्मा जो ज्योति बिंदु है उस ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप भी तो कोई होता होगा, वो भी ज्योति बिंदु, सांप का बाप सांप जैसा लंबा, हाथी का बाप हाथी जैसा मोटा ताजा, चींटी का बाप कीटाम का बाप कीटाम, तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और बिंदु, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता और हम आत्मा एक शरीर लेती है छोड़ती है फिर दूसरा शरीर लेती है फिर छोड़ती है फिर तीसरा शरीर लेती, 84 चक्र में हमको आना पड़ता है, लेकिन जो परम पिता परमात्मा उसको 84 चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि अगर वो भी 84 चक्र में आ जाए तो हमको हमारी आत्मा का परिचय और परमात्मा का परिचय और सत्य के राज का परिचय कोई नहीं दे सकता। एक वही अजन्मा ऐसा है जो हमको सत्य के आर पार का ज्ञान देता है, आत्मा के पूरे 84 जन्मों का ज्ञान देता है। मनुष्य तो खुद ही शरीर में बंधन में बना हुआ है, शरीर छोड़ता है तो पिछले जन्म का सब भूल जाता है, जब पिछले जन्म का ही भूल गया तो 84 का हिस्ट्री कौन बताएगा? मनुष्य मनुष्य को आत्मा की पढ़ाई नहीं पढ़ाई, तो कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान,
आदि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा के अंदर का, आदि आत्मा ज्ञान आध्यात्मिक, आध्यात्मिक माने आत्मा के अंदर का ज्ञान। हर आत्मा पार्टधारी है, क्या ये आत्मा जो है वो पार्ट बजाने वाली है, ये शरीर रूपी कपड़ा पहनती है, इस जन्म में ये कपड़ा है, अगले जन्म में दूसरा कपड़ा हो, उससे अगले जन्म में और कपड़ा बदल जाएगा। तो 84 के चक्र में आने वाली आत्मा 84 चोले बदलती है, तो आत्मा पार्टधारी हुई ना। अब कोई आत्मा का पार्ट कैसा, कोई आत्मा का पार्ट कैसा, एक आत्मा का पार्ट दूसरे के पार्ट से मिल नहीं सकता। तो जैसे आत्मा मनुष्य जाति की जैसे कि बीज है, क्या ये मनुष्य जाति का बीज है आत्मा, जैसे कि एक बोरा गेहूं रखा हुआ हो, तो गेहूं जब बोएंगे तो कोई पौधा एक जैसा निकलेगा, कोई में चार पत्ते, कोई में आठ पत्ते, कोई में पत्ता लंबा, कोई में पत्ता चौड़ा, कोई में छोटा बीज, कोई में बड़ा बीज, कोई में 10 दाने, कोई में 20 दाने, एक में मिले। एक बीज का पौधा दूसरे से मिल नहीं सकता कभी भी, ऐसे ही आत्मा पर आ जाए। ये आत्मा जो है वो जब जन्म लेती है तो चेहरा चेहरा और चोला एक दूसरे से कभी मिलता नहीं, और उनके कर्म भी मिलते नहीं, सबके कर्म अलग अलग, मूर्ति अलग अलग, कर्म भी अलग अलग। तो ये शक्ति रूपी रंगमंच है, इस रंगमंच पर हम सब आत्माएं पार्टधारी हैं, अपना अपना पार्ट बजाए रहे। कोई विलियन का पार्ट बजाता है, कोई हीरो का पार्ट बजाता है, कोई नंबर वार हीरो का पार्ट बजाते हैं, कोई नंबर वार विलियन के सहयोगी बनते हैं। तो ब्राह्मण को जिसकी बुद्धि में ज्ञान है वो साक्षी होके देखेगा, जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है वो गुस्से में आ जाएगा, मार तोड़ मारा धाड़ा करना लगेगा, है तो अपना निश्चय शरीर छोड़ेगा, तो अंत मते दुर्गति हो जाएगी। ये ज्ञान जो है वो सिवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। ईश्वर ये है जो ज्ञान दाता है, और जो भी मनुष्य मात्र है वो अज्ञान दाता है। 2500 वर्ष से हिस्ट्री मिल रही है सब धर्मों की, इब्राहिम के इस्लाम धर्म की, क्राइस्ट के क्रिश्चियन धर्म की, बुद्ध के बौद्ध धर्म की, सन्यास धर्म की, मुस्लिम धर्म की, मोहम्मद के जो स्थापन किया हुआ है, सिख धर्म की, उनकी हिस्ट्री 2500 वर्ष के अंदर की मिल रही। 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों की बनाई हुई है, लेकिन भगवान ने जो शक्ति रखी थी उसकी हिस्ट्री किसी के पास नहीं है। वो हिस्ट्री खुद ही आकर के बताता है कि मैं आता हूँ तो स्वर्ग रखता हूँ, वो स्वर्ग कोई बना नहीं सकता, मैं ही स्वर्ग रखता हूँ और मनुष्य मात्र उनको नर कहा जाता है, नर नरक चल रखते हैं और मैं स्वर्ग। केवाईसी क्या खाती है कि भगवान ही स्वर्ग रखता है, वो खासियत यह है कि वो स्वस्थिति में रहता है। माने मैं जो सिंधु आदर कभी गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, उसको कहते हैं सदा शिव। मंदिरों में जो लिंग रखा हुआ है उस शिव की यादगार रखी हुई है, उसको हाथ पांव नाक कान नहीं है, इसका मतलब सदैव ज्योति बिंदु रूप में है, वो गर्भ से गर्भ में प्रवेश नहीं करता है, और उसको कर्मों का बंधन ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्यों सदैव आत्म की स्थिति में रहता है। आत्म की स्थिति में जो सदैव रहेगा उसके कर्म बंधन नहीं लगेगा, जैसे गीता में लिखा हुआ है, ईश्वर स्थिति में स्थित रहने वाला कोई हो तो चाहे सारे संसार की हत्या कर दे उसको कोई पाप नहीं लगेगा, सारे संसार की हत्या करेगा तो भी कल्याण के लिए करेगा, जो कुछ भी करेगा कल्याण के लिए करेगा, देखेगा तो भी कल्याण,
सुनेगा उसी कल्याण, बोलेगा जो भी बोलेगा उसमें कल्याण। वो कौन है? कल्याण। वो कल्याणकारी सिर्फ सिर का आती है कल्याणकारी। कैसे कल्याण करता है? वो तो लिंग ही है। जो निराकार है तो कल्याण कैसे करेगा? न कल्याण करेगा ना कल्याण करेगा। इसलिए वो सत्य आता है गीता में, प्रवेश तुम मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती है, वैसे मैं भी प्रवेश कर जाता हूँ। किसमें प्रवेश करता हूँ? किसमें प्रवेश करता हूँ? लोग कहते हैं वो सर्वव्यापी है, मेरे में है, तेरे में है, इसमें है, उसमें है, उसमें है, किसी में है, कीड़े में है, सब मकोड़े में है, सब में परमात्मा। अरे सब में प्रवेश होगा तो वो गॉड फादर कहा जाएगा? गॉड फादर एक होगा या अनेक होंगे? एक होगा। तो ये शक्ति में वो एक व्यापी बन के आता है, सब में प्रवेश नहीं होता है। और जिसमें व्यापी होकर के आता है उसकी आज भी मूर्तियां सबसे ज्यादा संसार में पाई जा रही है, वो है शंकर की मूर्ति। एक मूर्ति ऐसी है जिसे जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं, वो भी दंत मूर्तियां बनाते हैं। हिंदू लोग उसे शंकर कहते हैं, अंग्रेज लोग उसे आदम कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं। माने शक्ति का पहला पुरुष जो हुआ है, जिसने ये शक्ति का निर्माण शुरू किया, वो एक ही है सब धर्मों में। उस एक की मान्यता एक जैसी है सब उसको। हाँ, नाम अलग अलग हो गए, नाम अलग अलग हो गए हैं तो धर्म खंडों में काम भी उसने अलग अलग किए होंगे। अलग अलग धर्मखंड है ना, क्रिश्चियन धर्मखंड यूरोप अमेरिका, मुस्लिम धर्मखंड अफ्रीका अरब देश और ये ईरान अफगानिस्तान, ये सब मुसलमानों को पलटने के देश। बौद्ध धर्मखंड चीन जापान तिब्बत, ये बौद्ध धर्मखंड। तो इन इन धर्मखंडों में परमात्मा ने पार्ट अलग अलग बजाया है, इसलिए उसको अलग अलग नामों से माना जाता है। वो है निराकार, लेकिन निराकार होते हुए भी उसका गायन है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी। ना हाथ है ना पांव है ना कान है ना हाथ है, सब कुछ करता है, कैसे करेगा? वो विद्वान पंडित नहीं जानते इस बात को, वो खुद आगे बताता है कि मैं प्रवेश करता हूँ। किसमें प्रवेश करता हूँ? जो मनुष्य शक्ति का हीरो पार्टधारी होगा उसमें प्रवेश करता है। वो हीरो पार्टधारी आदम है, एडम है, प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके उसके द्वारा ऐसी शक्ति का निर्माण करता है जिसे स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग में सब परिस्थिति वाले होंगे, क्या कोई भी देहान में आने वाला नहीं होगा? यहाँ हम सबके अंदर देहान है, क्या सोचते हैं हम लोग? मैं राजा हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, तो ये देहन भरा हुआ है। आत्मा तो कोई समझता है कि आत्मा का ज्ञान ही किसी को नहीं है। मैं जो कुछ हूं को ये कहता है, कहने वाला है, वो ये ही जानता मैं कौन हूं। ये कोई नहीं कहता मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। जिस ज्योति बिंदु आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, ये ज्योति बिंदु आत्मा जब इस चोले को छोड़ के चली जाएगी तो वहां से बटन बैटरी में से सेल निकाल के रख दिए जाए तो रोशनी देगी, देर रोशनी देगी। ऐसे ही आत्मा जो है वो अविनाशी बैटरी है, ये कभी हरा समाप्त नहीं होती है। हाँ, ये मुर्दा है। बाबा मैं आत्मा
एक ही दिन आया ये सब पाठशाला है करके हॉल मौके आया एक दिन बताया बताने के बाद दो तीन नहीं आ पाए रोज आने के लिए बोला एक हफ्ता नहीं आ पाया फिर अस्पताल वहाँ से मेरे को चले लगा चलो चलो करके कोई धक्का दे रहे थे ठीक होने लगी लग रहा है तो तीन बज गया दस बजे गया तीन बज गया अस्पताल फिर जल्दी आया घर में मेरे को तीन दिनों के बीच में नहीं गया अच्छे नहीं लगता है मैं चले जाऊँ करके वो बोला खाना खा के जाओ मैं बाद में कह देता है कि जल्दी आए क्या इसके ले गया मेरे को नहीं मालूम पड़ा नया नया है दर्शन नहीं होते हैं ऐसे इन आँखों से कोई दर्शन नहीं होते आत्मा क्या हुआ क्या इन आँखों से आत्मा से कोई दर्शन नहीं होते दर्शन होते हैं ज्ञान के तीसरे नेत्र से वो ज्ञान का तीसरा नेत्र भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आता है सबसे पहले तीसरा नेत्र किसको देता है त्रिनेत्री कौन दिखाया जाता है उसको पहले ज्ञान का नेत्र तीसरा देता है इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो सूर्य को पहले ज्ञान देता हूँ तो ज्ञान लेने वाला वो ज्ञान सूर्य है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है इतना जल्दी जल्दी आया आपको देगा ये कोई बात नहीं आत्मा बोलने आज आपकी आत्मा बोलती है ये भगवान है कल दूसरे लोग करेगा अरे सैतान आया सैतान आया अखबारों में निकलेगा टीवी में निकलेगा रेडियो में निकलेगा सैतान आया सैतान आया तो आप सैतान बोल ज्ञान के आधार तो पक्का बैठेगा ऐसे नहीं बैठेगा मान लेना है ये भगवान आ गए हमें की पूजा करना शुरू कर दे वो भोजन नहीं सुनाई बातों से भारत भारतीय ने दुर्गति पाई क्या इनके सुनाने से नहीं मान लेना इन्होंने आपको सुनाया होगा एक ही दिन आया एक ही दिन आया बाद में आ रही है बाद में आया एक ही दिन आया तीन दिन बीच में नहीं आए चौथे दिन आया अब तो बाबा यहाँ बैठा है बाबा यहाँ बैठा बाबा तो कोई भी हो सकता है सफेद कपड़ों वाला लाल कपड़ों वाला पीले कपड़ों वाला काले कपड़ों वाला कितने बाबा होते हैं बाबा थोड़ी भगवान हो जाते हैं समझने की बात मनुष्य को जन्म से ही हजार ज्ञान की चीज मिलती है बुद्धि जन्म से ही हर बच्चे को अपने अपने तरीके की बुद्धि मिलती है वो भगवान की दी हुई नियामत है उस बुद्धि का उपयोग अगर नहीं किया तो मनुष्य मनुष्य नहीं भटक जाएगा इसलिए बुद्धि का उपयोग करो किसी कहने से ये भगवान है वो भगवान है ये भगवान है नहीं बुद्धि से जज करना है फैसला करना है तो ये राइट बात बोलते हैं या रंग बात बोलते हैं राइट है लेते जाओ रंग बात लगे छोड़ते जाओ छोड़ते भी नहीं पूछ सकते हो कि ये तो हमें गलत बात लगती है हमें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें तो व्याख्या चाहिए गुरु होंगे मनुष्य गुरु तो सभा के बीच में कभी व्याख्या नहीं करेंगे क्या सभा के बीच में किसी को प्रश्न उत्तर करने की इजाजत नहीं देंगे भगवान होगा तो हर प्रश्न का जवाब भगवान के पास किताब ही ज्ञान नहीं है मनुष्य होते हैं उनके पास किताबों का ज्ञान होता है शास्त्रों का ज्ञान होता है और भगवान के पास उन्हें शास्त्र पढ़ने की दरकार है क्या मनुष्य साधन मनुष्य उनको भगवान कह के बैठते हैं शिवो हम ब्रह्मा अस्मि मैं ब्रह्मा हूँ मैं शिव हूँ भगवान के कहने की डरता है मैं भगवान हूँ कहेगा भगवान नहीं कहता रहा करके तुम्हें भगवान को बहुत साधारण तन में आता है गीता में लिखा हुआ है मुझे साधारण तन में आए हुए को मूल मतलब कहना निकालते हैं उसको बहुत साधारण समझते हैं उसका तिरस्कार करते हैं भगवान को भगवान तिरस्कार को भी सहन कर लेता है सहन करते करते संसार में वो कलंक की धरती रूप में प्रकट हो जाता है
भगवान को कौन सी युग में आने की दरकार है? कलयुग में आने की दरकार है कि सत्युग में आने की दरकार है कि द्वापर में या कलयुग में या त्रेता में? जो नई आत्मा बैठी उनको बोल क्यों? आप बताइए, आपसे आप ही बताए, आपको हजार नियामत बुद्धि मिली हुई है? बुद्धि नहीं है? बुद्धि तो है, है ना? होगा क्यों? है ही बुद्धि, आपको बुद्धि तो है, कुछ जो भी है उस बुद्धि से आप फैसला करो भगवान को शक्ति के युग में आने की दरकार है कि राम के त्रेता युग में आने की दरकार है जहाँ राम भगवान का राज्य था, या द्वापर में आने की दरकार है या कलयुग पापी युग में आने की दरकार है? भगवान को कौन सी युग में आना चाहिए? कलयुग, जहाँ सारा पति दिखाई हुए हैं, सारा पाप आत्मा है, एक भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं जो पाप न करती हो। मन से गलत सोचेंगे पाप हुआ, वाचा से गलत बात बोलेंगे पाप हुआ, दृष्टि से देखेंगे एक दृष्टि से खराब दृष्टि से पाप हुआ, जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे दुखदायी कर्म करेंगे पाप हुआ। ऐसा एक भी मनुष्य मात्र नहीं है सृष्टि पर जो पाप न करता, सब पाप आत्मा कलयुग में, सब पाप आत्मा और सत्य के युग में पुण्यात्मा। कैसे बनते हैं? कौन बनाता है? भगवान ही बनाए। तो कलयुग को पलट करके सत्य को बनाना है, ये एक भगवान का काम है, और कोई कलयुग को पलट करके पापियों को पलट करके पुण्यात्मा और देवताओं की दुनिया बना ही नहीं सकता। मनुष्य ढाई हजार साल की हिस्ट्री मौजूद है, मनुष्यों ने दुनिया को नरक बनाया, इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, विवेकानंद आए, इनके आने के बाद दुनिया नीचे गिरी है या ऊंची उठी? नीचे गिरी। तो अच्छे के निमित्त बने या बुरे के निमित्त बने? और बुरा करके गए सारे मनुष्य, मनुष्य मनुष्य जो है मनुष्य का बुरा ही करता है, मनुष्य मन से बनता है, मननाथ मनुष्य जो मन बहुत चलाता है ना, मन बहुत चंचल है ना, तो ज्यादा मन चलाने वाले को मनुष्य कहा जाता है, जो मन न चलाए आत्म की स्थिति में स्थित रहे, मैं जो तुम हुआ जयशंकर जी बैठे हैं ध्यान में, उनको देवता कहा जाता है, देवता नहीं देवदेव महादेव कहा जाए। ऐसी स्थिति अभी किसी की आई नहीं जो सड़ा काल परिस्थिति में स्थित है, परिस्थिति में फंस जाते हैं, परते प्रभावित हो जाते हैं, दूसरों की बातें सुनने लग पड़ते हैं, अपनी आत्मविश्वास ही नहीं, आत्मा को पहचानते ही नहीं। भगवान आत्मा को पहचानते हैं तो बच्चे अभी अभी बांध है क्या? इसका प्रूफ क्या है? कलयुग अंत का प्रूफ ये है कि जब मैं आता हूँ शंकर के तन में, शंकर में वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करता है शक्ति में, तो इस दुनिया में ऐसा मसाला तैयार करवाता हूँ ये सारी दुनिया राख हो जाए, पाप की दुनिया। इसलिए जिसके तन में प्रवेश करता हूँ उसके नाम के साथ लगा हुआ हर हर बम बम। आज से 70 साल पहले न भगवान आया था न एटम बम का नाम निशान था, 70 साल के अंदर भगवान भी आता है और बम भी 70 साल के अंदर बनना शुरू हुए, उससे पहले कोई नहीं जानता था एटमे की एनर्जी क्या चीज होती है। 42 में छोटी सी बम्बियां तैयार हुई 20 मेगावाट की, और वो उन्होंने फोड़ दी, दो शहर नष्ट हो गए। 20 मेगावाट के थे अभी तो हजारों हजार मेगावाट के तैयार हुए, बने समंदर के अंदर रखे हुए, आसमान में लिए लिए फिर रहे हैं। गीता बताया मेरी दाढ़ है
क्या अर्जुन को साक्षात्कार कराया भगवान ने क्या देख मेरी दाढ़ों को देख इन दाढ़ों में सारी दुनिया चलाई जाने वाली है ऊपर की दाढ़ और नीचे की दाढ़ कौन सी दाढ़ है वही एटम ये एटमिक एनर्जी जो जब भगवान आता है तो तैयार कराता है क्यों भगवान ऐसा काम क्यों कराता है भगवान को विनाश का काम थोड़ी करना चाहिए भगवान आएगा तो उसके कंस्ट्रक्शन करना चाहिए निर्माण करना चाहिए या विनाश करना चाहिए दोनों काम करना जब तक पुराना मकान गिराया नहीं जाएगा नया मकान बनेगा नहीं भगवान विष्णु ने जन्म लिया था कब कौन सी युग में द्वापर में जन्म लिया द्वैतवादी युग में क्यों आया दो कोण क्यों बनाया द्वापर में आया क्योंकि कलयुग की स्थापना करके गया भगवान कलयुग की स्थापना करके जाता है जाता है नहीं पापी कलयुग की स्थापना करके जाता है मेरा स्वर खरीदना है आगे भी तो समझना होगा बुद्धि है ना बुद्धि तो चलेगी आप बुद्धि को लाख लगाएंगे भगवान आएगा तो भगवान लिया ये हम जानते हैं बस यो गलत है आपने सुना हाँ सुना बस बुद्धि से अब आपके सामने बुद्धि में प्रश्न डाल दिया गया कि भगवान आएगा तो पापी कलयुग की स्थापना करके जाएगा द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध कराया तो पापी कलयुग स्थापन हुआ या स्वर्ण स्थापन सत्युग स्थापन हुआ सत्युग को सोलह कला संपूर्ण कहा जाता है कलयुग को कलाहीन कहा जाता है तो भगवान सोलह कला संपूर्ण युग बनाएगा या कलयुग बनाएगा जहाँ कलाहीनता है कोई गुण नहीं मनुष्य में किराए दुख देने के इसका मतलब भगवान ने जन्म नहीं लिया हम ये नहीं हम तो नहीं कहा कि भगवान ने जन्म नहीं लिया हम तो ये कहते हैं जो मनुष्य पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाई गलत पढ़ा रहे हैं भगवान आकर जो पढ़ाई पढ़ाता है वो सच्ची पढ़ाई पढ़ाता है हमने यही तो कहा कि कलयुग में भगवान को आने की दरकार है या सतयुग में या द्वापर में या त्रेता में भगवान को आने की दरकार है भगवान कौन से युग में आए क्या करके जाए नरक में आए या स्वर्ग में आए वो नरक में आता है और स्वर्ग बना के जाता है कलयुग में आता है और सतयुग बना के जाता है ये सही बात है और मनुष्य जो सुनाते हैं हरयुग में आता है वो झूठी बात हरयुग द्वापर में आए कि नहीं आए तो आपकी बुद्धि में बात भरी हुई है बस वही आपको बोल रहे हैं आप जो बात हमने बताई उस बात का ध्यान ही नहीं नहीं वो तो कहते हैं ना कि जब वो कहते नहीं नहीं जो सुनिए जो कहते हैं वो मनुष्य कहते हैं गीता में तो अच्छा जो गीता जो है गीता जो लिखी हुई है वो भगवान ने गीता लिखी है या मनुष्य ने लिखी है गीता जो भगवद गीता है वो तो भगवद गीता भगवान की वाणी मानते हैं भगवान ने लिखी है गीता नहीं भगवान की वाणी मानते हैं कौन मानते हैं सब मानते हैं मनुष्य मानते हैं ना हाँ मन सब भेड़ बकरिया जिधर जाते हैं उधर हम भी चले जाते तो फिर वेदों को देखकर लिखा है वेद जो है ब्रह्मा के मुख से हाँ ब्रह्मा के मुख ब्रह्मा कौन है वो समझना पड़ेगा ना ब्रह्मा कौन है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम भगवान जब आते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं ब्रह्मा के मुख से जो वाचा उच्चारण करते हैं उसको वेदवाणी कहते हैं विद माने जानकारी असली जानकारी देता है भगवान आकर तो असली जानकारी दे रहा है ब्रह्मा कुमारी इस विश्वविद्यालय में माउंट आबू से वाणियां चल रही है आप नहीं मानते हैं तो सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी आश्रम फैले हुए झूठी बात है क्या सारी दुनिया में जो चीज फैली हुई है उसको आप नकार देंगे नहीं है सारी दुनिया में तो बहुत कुछ फैला हुआ है जो बहुत कुछ लेकिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी फैले हुए हैं नहीं ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी है ब्रह्मा कुमारी माने ब्रह्मा की पुत्रियां हैं सर हाँ लेकिन और बहुत से ब्रह्मा की पुत्रियां सरस्वती रूपिणी है सर सरस्वती का जो रूप है वो ज्ञान रूप है ना उसका जवाब कोई नहीं दे सकता सरस्वती ज्ञान से कोई मुकाबला करेगा नहीं बड़े बड़े साधु सन्यासी आकर ब्रह्म कुमारी में चक्कर लेकर के चले जाते हैं लेकिन वहाँ भी इस सवाल का जवाब नहीं मिलता किस सवाल का ये इस सवाल का कि जो द्वापर में भगवान आया आपको जवाब दिया तो अभी भगवान अगर द्वापर में आया तो कलयुग की पापी की स्थापना करने के लिए भगवान आता है जैसे शास्त्री भगवान स्वर्ग बनाने के लिए कलयुग में तो आना ही है
कलयुग में आता है, ये बात सही है, यही बात हम यहाँ बता रहे हैं कि भगवान कलयुग में आता है और कलयुग में आकर के ब्रह्मा चेतन के द्वारा जो वाचा उच्चारण करता है उसे वेद वाणी है असली। ये मनुष्यों ने जो लिखी है, जो मनुष्यों ने जो लिखा है वो असली वेद नहीं है। मनुष्यों ने जो कुछ किया है दुनिया को नीचे गिराया है। मनुष्य को कहा जाता है नर, नर बनाता है नरक, और स्व स्थिति में रहने वाला जो शिव है वो बनाता है स्वर्ग। हम तो भगवान का सही परिचय आपको दे रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप भगवान को नहीं मानना चाहते, मनुष्य गुरु को मानना चाहते हैं। हम तो मनुष्य गुरु को नहीं मानते, केवल शिव को मानते हैं। शिव को जानते हैं, केवल उनको मानते हैं, मानते जानते हैं, बस उनको लेकिन जानते हैं, जानते हैं कि बीच बड़ी जो रचना हुई है यूनिवर्स की, वो उसका रचयिता जो है वो उसके स्वभाव कोई नहीं होता। मैंने ये धरणी, ये सूरज उसने बनाया, बन गया नहीं, जो भी है तो नहीं जानते ना। यूनिवर्स को बनाया, मनुष्य ने बनाया ना, यूनिवर्स बनाया नहीं जाता है, ये तो अनादि शक्ति है, ये बनी बनाई है, ये बनाई नहीं जाती, आत्मा कभी बनाई नहीं जाती। किसकी बनाई हुई है फिर अनादि शक्ति? देखो, न शक्ति बनाई जाती है, न पांच तत्व बनाए जाते हैं, न आत्मा बनाई जाती है, न परमात्मा बनाया जाता है, ये अनादि है, अनादि काल तक चलते रहेंगे। आत्मा बनाई जाती है, वो ठीक है, राधिका तक चलते रहेंगे, तो उससे होता रूप परिवर्तन किया जाता है। ये भी तो हम, ये भी तो मानव लोग बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं ना, यहाँ पर ही मनुष्य सब लोग बोलते हैं, वही सच्चा होता है। नहीं नहीं, मैंने आप बता रहे हैं कि परमात्मा जो है, आप ये बताइए, जो सब लोग बोलते हैं वही सच्चा होता है? नहीं होता ना, आप अपनी बुद्धि से सोचिए, जो सारी दुनिया बोलेगी वही सच्चा, या जो हमारी बुद्धि जो हम सोचते हैं, हम वो सोचते हैं, बात हमारी बुद्धि जो फैसला करे, हमारी बुद्धि भी यही कहती है। हाँ, हमारी बुद्धि ये कह रही है कि कलयुग में आना चाहिए या द्वापर में आना चाहिए। कलयुग में तो आना है, कलयुग में ही आना चाहिए, दूसरे युग में आने की दरकार नहीं। ये मकान है, ये मकान की चार अवस्था है, सतोपदम, सतोसम, रजो और तमो। मनुष्य है, मनुष्य की चार अवस्था है, सतोप्रधान बचपन, रजो प्रधान, तमो प्रधान और बुढ़ापा, खत्म। ऐसे ही दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से गुजरती है। जब पहली अवस्था है तो सतयुग, दुनिया की दूसरी अवस्था है तो त्रेता युग, 14 कलर, फिर तीसरी अवस्था है तो 8 कलर द्वापर, और कलाहीनता मन कल, खत्म। अब इसको शक्ति को पलटना ही चाहिए, कौन पलटेगा? मनुष्य नहीं पलट सकता। जो दुनिया में सौहार्द, सहनशीलता, प्यार, इसलिए घटता जा रहा है 2500 वर्ष से, दृष्टि क्या कहती है, यह बढ़ रहा है, तो ये किसने घटाया? घटाने के निमित्त कौन बना? भगवान। मनुष्य मनुष्य ने एक दूसरे को धक्का मारा, गिराया, भगवान आकर के हर मनुष्य मात्र को उठाता है, उठाने का रास्ता वो जानता है। 2500 साल से ही घट रहा है, बस उससे पहले, उससे पहले स्वर्ग था, वो हमारे आपको हिस्ट्री नहीं मालूम उसकी, वो कहाँ से मिलेगी? वो भगवान आकर के बताता है, ये अभी बता रहा है, आप सुनिए उसका तरीका, समझिए, अहंकार को मिटाइए। जैसे अर्जुन से भगवान है का अर्जुन, तो उसका भूल जा, जो पड़ा हुआ है सुना हुआ सारा भूल जा, कोरा कागज बन जाए, फिर मेरी बात सुन, तो आप भी जो कुछ सुना है दुनियादारी में वो पहले भूल जाइए। यहाँ का 7 दिन का कोर्स लीजिए, 7 दिन के कोर्स में आपको अच्छा लगे वो बातें मानिए, जो खराब बातें लगे सही ना लगे उनका प्रश्न करिए, खराब क्वेश्चन करिए, इतनी छूट है। ये कोई मनुष्यों का, किताबों का बना हुआ ज्ञान नहीं है, मनुष्यों ने, कौन मनुष्य व्यास नाम दिया, व्यास अनेक हुए हैं, एक के बाद दूसरा व्यास, दूसरे के बाद तीसरा व्यास, एक दूसरे के चेले होते गए, उनका व्यास गद्दी नाम नहीं दिया, जो गद्दी में बैठा व्यास गद्दी, मनुष्य ने तो सारी दुर्गति की है। आपको इतनी श्रद्धा क्यों बैठी हुई है, जबकि इतने साल हो गए गीता पढ़ते पढ़ते, हजारों साल, और मनुष्य नीचे गिरते चले जा रहे हैं, मेंटलिटी नीचे गिरती चली जा रही है। देखो, मनन चिंतन शक्ति कहाँ से आएगी?
मनु को मन का मन कहा जाता है। मनु माना ब्रह्मा पहला जो शक्ति रखता है। तो ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाने वाला, विष्णु को विष्णु बनाने वाला, शंकर को शंकर बनाने वाला, शंकर के नाम रूप से विष्णु के नाम रूप से संसार प्रत्यक्ष करने वाला कौन है? ये जब तक बुद्धि में देखेगा तब तक आगे हम बने नहीं सकेंगे। त्रिदेव के द्वारा 33 करोड़ देवताओं में 3 देवताएं सबसे श्रेष्ठ है। उन 3 देवताओं के द्वारा शक्ति की रचना पालना और विनाश होता है जो अभी होने वाला है। ऐसा समय की तैयार हुई करी है। दुनिया के और धर्म पिताओं ने भी 100 वर्ष के अंदर आकर के अपना धर्म स्थापन किया। भगवान भी आकर के सनातन धर्म की स्थापना 100 वर्ष के अंदर करता है। उसे 70 साल के बीच में सिर्फ 30 साल बचे आपके बना बनाया माल मिल रहा है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये पुराने पुराने 70 साल से चल रहे हैं ब्रह्मकुमारी विद्यालय में। हाँ, बाप के पहचाने के तभी तो बाप चरण बनेंगे। मेरा पहचान बन जाएंगे तो हमें पहचानना पड़ेगा। इस शक्ति का बाप मनुष्य शक्ति का बाप कौन है? मनुष्य शक्ति का जो बाप है, सारी मनुष्य शक्ति को पढ़ाई पढ़ाने वाला है, जन्म देने वाला है, वो कौन है? सारी शक्ति का जगत गुरु कौन है? सारे जगत का गुरु ये शंकराचार्य के सबसे टाइटल रखा लेते हैं। ढेर विदेश से शंकराचार्य बन गए, सब जगत गुरु कहला रहे। हिन्दुस्तान में भी सब लोग उनको नहीं मानते तो जगत गुरु कहेंगे। जगत गुरु मतलब सारा जगत उसको मानने के लिए बाध्य हो गए। जगत पिता मतलब सारा जगत उसको मानने के लिए, पिता मानने के लिए मजबूर हो गए। इसको कहेंगे जगत पिता। पहले पहचानना तो पड़ेगा, और पहचानना बुद्धि से पहचानना पड़ेगा। लेकिन किसी ने कह दिया और आंख बंद करके मान लिया है, यही बात समझ ही नहीं है ना। समझ देना ना, आज की दुनिया सबसे ज्यादा गंभीर टाइम की है। क्योंकि जो जानती है मेरा काम जो मैं नहीं कर पाया जो ये कर रही हूँ, उसकी संवेदनी शक्ति महाकाल की संवेदनी शक्ति कौन? महाकाल तो जो अच्छा हमारा काम कर रही है, मैं उस काम को नहीं कर पाया। मैं जिस पाई जिसे पीने वाला विषय विकार पीने वाला, तो विषय विकार पीने वाला ज्यादा सेठ या जो जिसे नहीं पीती है वो ज्यादा सेठ? जो देवी है, देवी की पूजा की जाती है, संहार कारणी कही जाती है, असुर का संहार करने वाली देव, उसमें प्योरिटी की पावर है। तो प्योरिटी की पावर से वो संसार का जो असुर है उन आश्रितों का नाश करती है। वो सारी शंकर नहीं करता है, तो सिर्फ ध्यान मग्न है, याद है देखने वाला है। तो बुद्धि है नीलकंठ में नहीं है। उन्होंने जो युद्ध किया जिसे विकार जो संसार में फैल रहे हैं, फिर जिसे विकारों से किया, तो उनमें इतनी शक्ति है कि उस जिसे विकार का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। व्यक्ति में रहते हैं, फीचर में रहते हैं, लेकिन भीतर ये दुनिया में रहते हुए भी उनकी बुद्धि उससे मिलता नहीं होती है। इसलिए उनको सिर्फ शंकर भोलेनाथ सिर के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। ब्रह्म का नाम नहीं जोड़ा जाता, विष्णु का नाम नहीं जोड़ा जाता, शिक्षा नहीं जोड़ा जाता, सिर के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। सिर्फ आत्मा अलग और शंकर की आत्मा अलग। शंकर है देवता, देवता है सबसे बड़ा देवता, और सिर है परमात्मा सुप्रीम सोल। मन मनो भव का अर्थ है मत मनो भव, तीन अक्षर है। मत मनो मेरे, मनो मनो मन में, भय मनो समझ। मेरे मन में जो संकल्प चल रहे हैं वही संकल्प तेरे अंदर आ गए, दूसरे संकल्प में चले। जिसके अंदर भगवान के अंदर चले हुए संकल्प ही चलेंगे, दूसरे संकल्प नहीं चलेंगे, तो भगवान के कल्याणकारी। तो जिसके अंदर कल्याणकारी ही संकल्प चलेंगे वो कर्म कैसे करेगा? इसको कहते हैं यजन करना। मत यादी भव, यजन माना चाहा करना, तन चाहा करना, धन चाहा करना, मन चाहा करना, समय चाहा करना, संकल्प शक्ति चाहा करना,
संबंधियों की शक्ति स्वाहा करना, संपर्कियों की शक्ति स्वाहा करना, उसको कहते हैं स्वाहा करना। किस कार्य के लिए? भगवान के कार्य के लिए। भगवान के कार्य करने आया है मन शक्ति व्यक्त होगा, इस कार्य में हम तन मन सब क्या कर दे, उसके कहते हैं मध्यादि भव। मत मत मानो मेरे, व्याधि मानो यजन करने वाले, भव मानो भव, मानो मेरे लिए यजन करने वाला, मानो कर्म करने वाला बन। पहले मन की सुधार नहीं होगा, मन सुधरेगा तो भगवान के लिए कर्म करेंगे, मन ही सुधरा नहीं है, गंदे काम में लगा हुआ तो भगवान के लिए थोड़ी काम करेगा। इसलिए पहले मन मना दिए फिर मत व्याधि, ये दो शब्द गीता में आए हैं, मन मना है मत व्याधि, मान मेरा नमस्ते रे, सिर्फ मेरे को ही नमन कर, मैंने बुद्धि को मेरे सामने झुका और किसी के सामने झुकाने की दरकार नहीं। मैं तेरे को राजीव सुखा से राजा बनाने आया हूँ, राजा किसी के सामने झुकता नहीं है, मैं तेरे नौकर बनाने नहीं आया हूँ जैसा क्रिश्चियन ने बनाया। क्रिश्चियन क्या बने तुझे? हम राजीव लिखते हैं पढ़ाई पढ़ने, क्या बने? नौकरी चाहिए, नौकर बन जा, क्लर्क बन जाए, मैं तो अधिकारी बन जाए, जो भी नहीं कर छोटे मोटे जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उसे किसी नीचे काम करते हैं, किसी नीचे किसी नीचे काम करते हैं, तो मैं तो नहीं हूँ। कौन से सब मनुष्य में जो किसी बोला है उसमें निश्चित है, हम ये नहीं कहते हैं कि मनुष्य ने जो बोला है सारा ही झूठ बोला है। जो गीता में शब्द आए हैं वो गीता किसने, उन्होंने कहाँ सीखी थी गीता? मनुष्य ने जो गीता में जो कुछ बोला है, जो कुछ भी बोला हुआ है वो उन्होंने कहाँ से सीखा? कुरान में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मोहम्मद ने कहाँ से सीखा? बाइबल में जो लिखा हुआ है वो बाइबल में क्राइस्ट ने जो बातें प्यार की है वो कहाँ से सीखी? भगवान आकर के इन धर्म के कौन से भी पढ़ाई पढ़ाता है, पूरी पढ़ाई नहीं करते, इसलिए वो अधूरे युग में आते हैं। जिसने पूरी पढ़ाई करी राम से की वो सत्य के आदि से आते हैं। तो आप भी गीता को मानते हैं? हम गीता को नहीं मानते, वो मनुष्य की लिखी हुई गीता को नहीं, हम इसे खंडन करते हैं। किस गीता में लिखा हुआ है संभरान युग है, हम नहीं मानते, हर युग में भगवान आता है। भगवान तो बताता है मैं जिस युग में आता हूँ किस चार युगों की शूटिंग कराता हूँ, ये ड्रामा है दुनिया, चार युग उसके सीन है, चारों सीनों की शूटिंग कराता हूँ, रिहर्सल कराता हूँ। रिहर्सल के पीरियड में जब मैं आता हूँ तो चार बार प्रत्यक्ष होता हूँ, सत्यजी सिंह पूरा हुआ भगवान प्रत्यक्ष होता, थोड़े लोगों की नीचे सत्य नीचे नहीं, त्रेताई की शूटिंग पूरी हुई फिर भगवान प्रत्यक्ष होता, फिर तीसरा सिंह द्वापरी की शूटिंग पूरी हुई फिर प्रत्यक्ष होता है। कैसे की आत्मा को लोगों को पता चलता है, कैसे जीवन से प्रत्यक्ष होता है, फिर कंजीवी सूटे ऐसे भगवान जो है कलंक धारण करके स्थापन प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि अगर कलंक की रूप धारण न करें तो 500 करोड़ सारे ही पहचान लेंगे, तो सारे ही पहचान लेंगे तो सबको लक्ष्मी नर से नागर बनाना पड़े, सब कैसे नर से नागर बन जाएंगे मंदिर में, इसलिए फिर वो गुप्त रूप धारण करता है। बड़े बड़े मनुष्य नहीं पहचान पाते, आज की दुनिया के जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो वो पहचान लें और भगवान से प्राप्ति करके सतगुण चले गए, ये नहीं हो सकता। दुनिया की किसी भी सभा में कोई भी बोलने वाला बच्चा होगा, बड़े से बड़ा भाषण करने वाला, बड़े से बड़ा गुरु, बड़े से बड़ा महात्मा, जो अपनी सभा के लोगों को ये ऐलान नहीं करेगा कोई भी प्रश्न पूछो, सिर्फ भगवान ही है। वो बच्चों को बच्चा बना के आता है, गुरु बन के नहीं आता है, बाप बन के आता है और परिवार बना करके बच्चों से कहता है तुम्हारे अंदर जो कुछ भी कमी है, कमजोरी आती है, जो कुछ भी संशय आता है वो पूछो, अपने संशय का निराकरण करो। मेरे सामने आकर भी अगर कोई कमजोरी हो जाती है, कोई बात रह जाती है, तो बाहर की दुनिया में संकरण लगेगा और चौड़ी हो जाएगी,
तो संख्या बढ़ जाएगा, तो फिर भगवान तक पहुंचने नहीं देगा। दुनिया से लगते देगा नहीं बनने देगा, दुनिया से लेने लग जाएगा। दुनिया देखो आगे, देखो आज होते होते देखो क्या हालत हो गई मनुष्य की, हालत क्या है, शरीर की हालत क्या है, किसी का पेट बड़ा है, किसी का पैरा बड़ा है, किसी के शरीर चिपके हैं, किसी की आंखें अंदर घुसती चली जा रही, किसी का क्या है, किसी का क्या है, शरीर बिल्कुल सड़ गए, कोई शरीर ऐसा नहीं रहा जिसे बीमारी न घुसी गई है। कीटाणु वो बना के रखे हुए किसी भी देश के ऊपर कीटाणु वो फेंका पैरा तरफ बीमारी बीमारी हो जाएगी, नहीं नहीं बीमारी है, चिकन मिलियन कहाँ से आ गई थी, ऊपर से एरोप्लेन उड़ाते जाते हैं और वहां से कीटाणु छोड़ते जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, इतना ही से देश दुनिया में लगातार है, मनुष्य मनुष्य का भक्षण बना हुआ, तो भगवान की दुनिया बना हुई, भगवान ये दुनिया नहीं बनाता, संबंधी दुनिया मनुष्य की बनाई हुई है, इतनी सी बात मनुष्य बना रही, जिनके बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े भगवान समझे गए थे, वो बड़े बड़े ग्राहक है, देखता किसी की, फिर भगवान छोटे रूप में लेकर के आता है, साधारण रूप लेकर के आता है, जीते भी देखा भी है मनुष्य ने, फिर साधारण तल में आता हूँ, मैं साधारण तल में आए हुए तो गुणवती लोग नहीं पहचान पाते, लिखते भी है फिर अवज्ञा भी करते, कोई बात से लोग नहीं तैयार हुई, हवा ऐसी चल रही आप कितनी देर रहे आप, माताओं को तो दादा, माताओं को तो भगवान को बंदे मातरम करता है, माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा गया है, पुरुषों के ऊपर कलश नहीं रखा है, क्या जो सागर मंथन हुआ कलश निकला ज्ञान कलश, वो ज्ञान कलश किसको दिया, लक्ष्मी माता को दिया, सरस्वती को दिया, नारायण को नहीं दिया, आप हाथ ये पेड़िए, हाथ जोड़ने बंद, अभी आपके माता गुरु बनने हैं, ये बात 25,000 को नहीं बताने में तुम्हारा माता गुरु ये अंदर की बात है, अंदर के समझने की बात है, ये काम आपका पति नहीं कर सकता है, वो काम भगवान आपसे कराएगा, क्या माता चक्कर उधर भी ऐसा तो उनको कहा आया कुछ बुद्धि आ रहा है नहीं आ रहा है, भाई जी को थोड़ा बहुत बुद्धि आ रहा है, ऐसा कोई सा तो जो पति नहीं कर सकता, पति नहीं कर सकती है, खास करके भारतीय माताएं कर सकती है, ब्रह्मचर्य की पालना करने और कराने का काम माताएं कर सकती हैं और करा सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते, घरगस्त में रह करके छोड़ के नहीं, घरगस्त में साथ में रहे और साथ में रह करके भी कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से सुतराम रहे, बुद्धि ज्ञान की बातों में, भगवान की बातों में, नई दुनिया के सृजन की बात है, बुद्धि लगे लेकिन कीचड़ में बुद्धि न लगे, ये कार्यक्रम माताओं को दिया है, माताएं सर्व का जो खोलेंगी, इसलिए आप देखेंगे इस ज्ञान में चलने वाली माताएं ज्यादा निकल गई, भाई लोग गुस्सा आते हैं क्या भगवान आया हुआ हमको नीचे गिरा दिया, भाई लोग तो निकलते हैं ज्यादा निकलते हैं, जिनकी बुद्धि में समझ है सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, ये मतलब ये सच्चाई है कि मनुष्य पवित्रता की पढ़ाई नहीं करा सकता, पुरुष जबकि आज की दुनिया में गुरु लोग मनुष्य बनकर के देते हैं, पुरुष लोग हजारों सैकड़ों साल हो गए जबकि पुरुष गुरु लोग गुरु बनकर के बैठे, लेकिन पढ़ाई तो उनसे कराते हैं, घर बार छोड़ दो
सर भगत में भगवान ही नहीं सीखा। भगवान कहता नहीं घर व्यस्त में रहो, कायर मत बोलो, घर व्यस्त में रहते हुए हे अर्जुन भगवान से प्रेरित इंसान और प्रेत के बीच में ये होते रहे महाशक्ति जयनम तापमानम, ये महापापी है काम विकार प्रेत विकार लोक विकार अहंकार ये तुम्हारे शत्रु है। महाभारत युद्ध स्थिर को दिखा दिया, आज के जो महात्मा होते हैं देवी लड़ाई झगड़ा करना सिखाते हैं, खून खराबा करना सिखाते हैं क्या नहीं सिखाते? तो भगवान आकर के खून खराबा कराएगा, खून खराबे का ज्ञान भगवान देते हैं। भगवान ने तो अंदर जो कुछ व्यक्तियां हैं, अंदर में जो कमजोरियां हैं, अंदर में जो कमजोरियां हैं, उनसे लड़ाई लड़ने की ज्ञान दिया है। ये लड़ाई अगर अंदर से जीते मन से जीते जगत जीत कहा जाता है, काम जीते जगत जीत कहा जाता है। इस काम विकार के ऊपर जो अंदर भराता रहा है उससे जीत लिया, मैंने सारी जगत को जीत लिया, अपने मन की इच्छाओं को जीत लिया, मैंने सारी जगत को जीत लिया, ये जीतना सिखाता है। दस इंद्रिय प्रबल है लेकिन सबसे प्रबल है मन, ग्यारहवीं इंद्रिय इसके जीत लिया असंगे मन मने है जन्म बताया अच्छा आखिर आखिरी समय आएगा तो लास्ट में जैसे यज्ञ के आज में आत्मा खींची हुई चली आई थी सिंह हैदराबाद में सत्संग में, ऐसे ही जब टाइम आएगा तो जो बिल्कुल ना करने वाले हैं वो भी खींचे चले जाएंगे, आकर्षण उनको हो जाएगा सच्चाई की तरफ डर। तो किसी को नहीं मानना है माउंट आबू की जो मुरलियां चली हैं सिर्फ मुरली को मानना है, सच्चाई को मुरली से पहली करना है। मुरली भी आज की वहां जो छपाई जा रही है वो उन मुरलियों को नहीं मानना है। सन 68 तक जब तक ब्रह्मा दादा जीवित थे उस समय की चलाई हुई मुरलियों को उनसे पहली करना है सच्चाई क्या है। दादा ने कुछ और बताया और फॉलोअर्स ने कुछ और पकड़ लिया, क्राइस्ट ने कुछ और सुनाया और क्राइस्ट के आज फॉलोअर्स जो है वो कुछ और सुना रहे हैं, गुरु नानक ने कुछ और सुनाया और गुरु नानक के जो फॉलोअर्स हैं बतंगबाजी कर दी, गुरुद्वारे में भगवान का घर बना के रहते हुए जो शुरुआत की चीज है वो सात्विक होती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे रूप बढ़ता जाएगा वैसे रूप बढ़ती जाएगी, दुनिया की भी गति नीचे की हो जाती है, मनुष्य की गति भी नीचे की हो जाती है और जितने भी धर्म संप्रदाय है उनमें जो धर्म की बातें सुनाई जाती है उनकी गति भी नीचे नीचे जा रही है। धर्म के नाम पर सब बटे हो गए, सनातन धर्म के नाम पर सब बेकार हो गया, सनातन धर्म जैसे रहा ही नहीं सब खंडित हो गया, अभी धर्मी बनाकर के सनातन धर्म को पूरा ही खंडित कर दिया, फिर भगवान को आना पड़ता है। नहीं सत्य तेज सर जैसे बेसिक नॉलेज में आते हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते हैं तो वहाँ सात दिन का तेज होता है, सभी समझ में आता है कि ब्रह्मा की वाणी क्या है, ऐसे ही ये सात दिन का कोर्स है एडवांस कोर्स वो भी मुरलियों के आधार पर आपको सुनाया सुनाया जाए, ऐसे नहीं कि अपनी मन में चलाई जाए, नहीं मुरली में आया तब पिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय दादा मेरे आज प्रजापिता थे ही नहीं, वो तो उनका प्रजापिता टाइटल है, उनसे उनको ही चढ़ाने वाला यज्ञ में कोई और था,
वो प्रजाति का था। तो मुर्गियों में भी बात आई है, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी दिल सिखाते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर वो बैठते थे, हम उनकी डायरेक्शन पर चलते थे, आज वो बच्चे हैं नहीं। तो राम वाली आते हैं यज्ञ में, आज नहीं आई और आज नहीं चली गई, फेल तो तभी होते, अभी कौन साइन में परीक्षा हो गई, खुद ब्रह्मा की आत्मा फेल हो गई। किसी ने कुछ उल्टा पलटा सुना दिया, अगर नहीं सहन हुआ आज फेल हो गया। माया किसी को छोड़ती हो गया, न राम को छोड़ती न सत्य को छोड़ती, नीति ने एक गीत बनाया हुआ माया नजरिया मारी गई रे, राम को मारी कृष्ण को मारी, शंकर की दाढ़ी मुड़ाई गई रे, माया किसी को नहीं छोड़ती। जैसे भगवान सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी, एवं सर्वशक्तिमान का टाइटल ले ली। दाता से दाता से कोई को कुछ नहीं समझा सकते हैं और दाता से कोई नहीं समझता है, तो सबसे बढ़िया तरीका बताया हुआ है मनसा की पावर उन आत्माओं को दी जाए। मन के मन से नई रंगत निकलेगी, अद्वैतवाणी ऐसे वाक्य आया है, बस एक ही ध्यान रहे, मनसा से अपने आप होती रहेगी। ये वृक्ष है, ये सारी शक्ति एक वृक्ष है, इस वृक्ष का कोई बीज है बीज कौन है, है? सुप्रीम से बीज नहीं है, शक्ति साकार है, सुप्रीम से तो निराकार है, प्रजापिता। हाँ, तो जो प्रजापिता बीज है उस बीज रूप को बीज रूप बन करके याद करते रहो, अपने आप पूरे वृक्ष को पानी मिलेगा, ताकत मिलेगी। यही मनसा सेवा है, मनसा सेवा है मन मना भाव। तो आप अभी आप उनके लिए आइए जैसे जैसे कृष्ण की आत्मा राम से कहती है मैं तेरा बाप, राम क्या कहते हैं मैं तेरा बाप। यदि कोई आदमी है राम की आत्मा ने कृष्ण से चढ़ाई कराई, उनके साक्षात्कार का अर्थ बताया है, अभी लड़का को क्या हुआ, राम की आत्मा ब्रह्मा से चढ़ाई करती है, फिर सती को क्या होगा, राम की आत्मा बाप बनेगी, कृष्ण की आत्मा बच्चा बनेगी, जन्म देगी, फिर त्रेता में क्या होगा, ब्रह्मा की आत्मा बाप बनेगी, राम की आत्मा बच्चा बनेगी। यही तो ध्यान है, वंडरफुल ड्रामा, वंडरफुल बाप, वंडरफुल बच्चे। ये एक ही सनातन धर्म ऐसा है और इसका धर्म पिता धर्म स्थापन करने वाला ऐसा है जो खून खराबा नहीं करता, और सब धर्मों की स्थापना में खून खराबा जरूरी होता है, विरोध भी जबरदस्त है बीके और पीबीके में, लेकिन भगवान तरीके से काम करता है, खून खराबा नहीं है। प्रजा पिता ब्रह्म कुमार कुमारी जी अपने को कहते हैं, वो अपने को ब्रह्म कुमार कुमारी कहते हैं, हम ब्रह्मा के कुमार हैं, प्रजा पिता का नाम नहीं लेते। दुनिया में कोई अपने बाप का नाम न ले, दूसरे से किसी ये बताए कि हमें अम्मा के कुमार हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्म मैंने बड़ी माँ मन ना, तो लोग संशय पैदा हो लोगों को, माँ बाप दोनों का नाम बताए, दोनों का परिचय पूरा बताए तो अच्छा माना जाता है। सही बात, छोटे बच्चे होते हैं वे लोग घूम खेलने वाले, तो माँ कोई माँ समझते हैं, बाप कोई बाप समझते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं समझदार हो जाते हैं, तो उनकी बुद्धि बढ़ता है, बाप अलग है माँ अलग है, वहाँ ब्रह्मा को ही प्रजापिता है, ब्रह्मा को ही ब्रह्मा बैठे तो हो नहीं सकता, तो मेरे माता क्या पिता तो क्या मानो है, और शब्द लगाया है उसका मतलब माता अलग है सीमेंट रूप में और पिता अलग है, सीमेंट का पाठ अदा करने वाली ब्रह्मा की सेन अलग है और बाप का पाठ अदा करने वाली राम की सेन अलग है। मुर्गियों में कहीं भी ये नहीं आता राम बाप को या राम बच्चे को कहा जाता है, कहीं आया हमेशा ये राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, कृष्ण है बच्चा बुद्धि, राम वाली आत्मा है सालम बुद्धि, जो मुर्गियों ने बोला उस बात की गहराई को पकड़ने वाली आत्मा,
ब्रह्मा ने बच्चा बुद्धि होने के कारण उन मुर्गियों से महाभारतों को पकड़ा नहीं, इसलिए उसने 76 में घोषणा करा दी। फाड़ फेंक दी माउंट आबू वालों ने, फाड़ फेंक दी जो बैठे हुए हैं ना, उन्होंने ऐसे ही दुर्गति की मिली थी जैसे मुसलमानों ने अपने शास्त्रों की दुर्गति की है। शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके फाड़ फाड़ के तो टोली खा के 69 से पहले जो मुर्गी थी, हाँ, जो इनके द्वारा जो है चलाई गई थी, मतलब वो असली द्वारा भी चलाई तो उनके अंदर शुभ ने निमित्त ये बने, इसलिए निमित्त बने कि जो बीज डालने वाला था, ज्ञान का बीजा रोपण करने वाला था, वो यदि कोई आदमी चला गया जो मुर्गी बोला राम फेल हो गया, आदि में आदि में त्रैमासिक परीक्षा थी या फाइनल परीक्षा थी, आज में यज्ञ जब शुरू हुआ तो कौन सी परीक्षाएं थी, चरण में आप कलेक्शन नहीं है, आप यज्ञ के आदि में भी थे, आप भूल रहे आदमी मर जाए 69 सिर्फ 70 साल हो गए यज्ञ को, चले नहीं हो सकते, अगर नहीं हो सकते तो जैसे दूसरी आदमी को समझ में ये बात नहीं बैठती है वैसे आदमी को दूर नहीं बैठनी चाहिए। नहीं नहीं पहले ये ज्ञान ऐसा है उसका विनाश नहीं होता, जो एक बार ब्राह्मण बन चुका दोबारा जन्म लेगा फिर ब्राह्मण जीवन धारण करेगा आगे बढ़ेगा। हाँ मर्म की आत्मा आई नहीं कल में देकर ब्राह्मण धर्म में नौकरियां होती है ब्राह्मणों की, कोई सांडिल्य गोत्र, कोई कश्यप गोत्र, कोई भारद्वाज गोत्र, नौकरियां भक्ति मार्ग में मानी जाती है ना, तो भक्ति मार्ग में जो भी मान्यताएं हैं वो कौन सी मान्यता है, संगम की, संगम में हर धर्म की आत्मा जो है वो सिंह हैदराबाद में इकट्ठी हो गई थी महिला, यही आत्मा जहाँ सारी बैठी हुई है, कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सत्ता अभी सारी मुसलमानों के हाथ में, ये कहेंगे बस किसी की बात न सुनो, अल्लाह अकबर काम बंद करो, बिल्कुल सुनना नहीं, क्या बात है, मनुष्य मनुष्य की बात नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा, तो ब्रह्मा आया हिंदी में लिखते थे, हिंदी जानते नहीं थे लिखना, तो बहने लिखती थी मोस्टली ईशु बहन लिखती थी, दादी दादी चलो ठीक है ये सब जो है उसका आपने तो मूल का रोशन किए होंगे, हम तो ब्रह्मा राजा सही छोड़ने के बाद जो हमने आए आप बात ये उन्होंने 68 में 69 में सही छोड़ा 18 में उनको हम 71 नवंबर के आए मैंने सही 70 की शुरुआत में समझ में जब ब्रह्मा वाला ने शरीर छोड़ा उसके बाद हमारा जो अनुभव हुआ, लेकिन निर्मी हमको सारी करने को मिल गई फिर आने वाली वही ना, हम तो रिसर्च की स्टूडेंट थे, हमें तो ये रिसर्च को सिखाया गया कि रूप के चक्र तो हम तो पुरानी निर्मी जितनी भी थी उनके पास पड़ी हुई बाबा के चले थी वो सारी करी हमें माल मिल गया, हमें समझ में आई बात कि बात तो कुछ और है, आगे नहीं समझे ये कुछ और बैठे हैं, उसका हमने नहीं किया, हमने नहीं किया मंथन, मंथन कराने वाले ने कराया
हमने अगर मंथन किया होता तो हम जो पढ़ाई करी है नैतिक दुनिया की दागली पढ़ाई, इस पढ़ाई में हम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास पास होते रहे तो हम तो सपनी बनती आते हैं। हमारे अंदर तो ताकत नहीं है। निर्णया भी हमारे पास नहीं थी। निर्णया भी जो ब्रह्मवाड़ा ने सेंटर स्थापन किया था अहमदाबाद में, उसमें जो सबसे पुराना भाई मम्मी काका थे उनके पास निर्णय थे, उनके घर में रह करके हमने निर्णय का अध्ययन किया, वहां से हमको मिल गया पुराना माल। अभी कोशिश करते हैं कि गाँव कहीं से भी बाबा की बोली कैसे मिले वो और ज्यादा ओरिजिनल, लेकिन उन्होंने तो पुरानी कैसे को सबको नष्ट कर दिया। जब से एडवांस मान की निकली सच्चाई में रहेगी तो सच्चाई प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगी। एक सीरियल आता है सत्यवान, जैसे एक पार्टी कहती है मेरा कौन रहेगा, दूसरी पार्टी सीरियल की होगी छुट्टी ये हो गई। प्राइमरी स्कूल के बच्चे की उम्र भी होता है पीस का डबल होता है। यहाँ एडवांस में समझाने वाले बहुत बढ़िया निमित्त मिले हैं, इसे आप जल्दी चेक कर लेंगे। यहाँ नौजवान लोग बैठे हुए हैं जूता पार कर रहे हैं, जल्दी गुस्सा नहीं होता, जूता पार कर रहे हैं तो जुगल नहीं होते। हमारा लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्य बनना, तो जो पढ़ने वाले पढ़ाने वाले टीचर होने चाहिए वो भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्य बनने वाले जुगल ही होने चाहिए। मैंने एडवांस की आप ऐसा किसी से पूछ रहे हैं कितने हैं, मैंने कितने जो हमने चलने वाले हैं, पांडव कितने थे आपके घर पर कितनी कितने ऊपर क्यों जा रहे हैं आप, आप कितने ऊपर जाएंगे तो आप कंट्रास्ट करेंगे जी के वालों की कितनी मैंने ज्यादा होगी तो आपको बता रहे जो भी हो क्वालिटी की हो। थोड़ा ये आता है कि अभी अभी उनकी शादी हुई, अभी अभी गीता पाठशाला जमा जो बैठे हैं, नरसिंह नारायण बनने के लिए लक्ष्मीनारायण का मंदिर बना रहे हैं अपने घर को, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं होता है। इस तरह की भाई कुछ पढ़े लिखे रहे और लोगों से तो हमें नहीं गीता पाठशाला दिखाने के लिए गीता मंदिर जो बने हुए हैं भारतवर्ष में गाँव गाँव में शहर शहर में गीता मंदिर बने हुए हैं, गीता मंदिर में हर एक दोस्त कुमार की याद आ रही है ब्रह्मा भगवान की जय कर रहे हैं। अरे गुरु जी बाबा ने बोल दिया तुम वो शब्द हटा करके आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय लिख देना, नहीं तो बोलो तुमसे लड़ेंगे। ये भी बोला बोले लेकिन वो बोलिए वो छुपाते जा रहे हैं। गीता पाठशाला होती है कि गीता माता है तो गीता पति भगवान भी है, दोनों बोल हैं फिर बोले बोले ना, तो ऐसे ही जो भी पढ़ाने वाले हो वो तुलसी मार्ग के बोले चाहिए, तुलसी मार्ग के होंगे तो तुलसी मार्ग का ज्ञान दे सकेंगे, तुलसी मार्ग का राज्य सिखा सकेंगे, खुद ही निवृत्ति मार्ग वाले होंगे, अकेले रहना अकेले सोना वो फिर तुलसी मार्ग वाले उसमें सिखाएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं है कि साथ में रह करके गौता को पालन करने में क्या आशक नहीं आती है, मुझे अनुभव नहीं है वो दूसरे को भी पढ़ा प्रैक्टिकल जीवन में अनुभवी होगा, थ्योरी तो थ्योरी है लेकिन प्रैक्टिकल जीवन ही तो क्या नहीं होता। भगवान आपको तुलसी कुमार की स्थापना करते हैं, देवी देव का सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, तो पढ़ाने वाले कैसे कहेंगे, सन्यासी कहेंगे, सन्यासी होंगे तो दूसरे को भी सन्यासी बना देंगे। भगवान अभी सन्यासी है, अगर तुलसी कुमार में
ब्रह्मकुमारी यानी सन्यासी है प्रवृत्ति मार्ग में न जाने से नहीं काम चलेगा। अगर वो हमको एप्रिशिएट करते हैं तो हम जाए भले, लेकिन उनकी हर बात को मानना ठीक नहीं है। सही करना चाहिए, बाबा ने क्या बोला और ये क्या बोल रहे हैं, नहीं जाएंगे तो फिर उनका सुधार कैसे होगा। वो भी तो भगवान के बच्चे बने ना। चलो ऋषि पुरी के ब्राह्मण नहीं बने, मैं तो ब्राह्मण ना, अपनी 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 जाति का समर्थन करना चाहिए। हाँ वो धक्का दे दें तो ठीक है, जैसे कौरवों ने धक्का दे दिया सर पांडवों को तो पांडव कहेंगे धक्का दे दो तो हम भी पांडव पांडव देश निकाला मिला ना, ऐसे मुझे बोला है मिलता है तो बड़े बड़े आप मकान को लगाइए।